हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं वैगनर की सीरीज पे काम कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों चालू होने में गाड़ी ट्रबल हो रही थी, आरपीएम अप डाउन हो रहा था काफ़ी। तो जनरली ये प्रॉब्लम क्रैंक सेंसर से होता है, तो मैंने इसका क्रैंक सेंसर निकाला है। आप देख रहे होंगे कि कितना डर्ट है। ये अपने अल्टरनेटर के साइड में लगा होता है दोस्तों। अभी मैं इसको पेट्रोल से साफ करता हूँ, फिर इसको लगा के देखता हूँ। ये हम इसको पेट्रोल से साफ कर रहे हैं। हमने इसको पूरा क्लीन कर लिया है पेट्रोल से। अब हम इसको वापस लगाएंगे। दोस्तों ये गाड़ी चालू हो गई है। हमने क्रैंक सेंसर को साफ करके फिट कर दिया था। देखिए आइडियल आरपीएम चल रहा है 1900 का। आपको मैं गाड़ी का वाइब्रेशन और इंजन का साउंड सुनाता हूँ। ये हमने इसको यहाँ से फिट कर दिया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, क्रैंक का इशू था। इसका हम डिजायर्ड आइडल भी देख सकते हैं, 800 से 900 आरपीएम चल रहा है। इसमें पहले इंजन स्पीड माल फंक्शन का एरर था, C1122। क्रैंक सेंसर क्लीन करने के बाद वो हट गया है। अभी आरपीएम एकदम क्लियर हो गया, डिजायर्ड आइडल में चल रहा है।